अधिसूचना जारी होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के तैनाती पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद 3 साल से ऊपर के कर्मचारी नहीं रहने चाहिए, तो ये शासन को निर्णय लेना है। हमारे यहाँ वार्ड बॉय यहीं से अपॉइंट होता है और यहीं से रिटायर हो जाता है, फार्मासिस्ट यहीं आता है और यहीं रिटायर हो जाता है, 35-35, 25-25 साल यहाँ सेवाएं देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू है वो हेल्थ विभाग डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इस पर उतना हद तक नहीं लागू होता जैसा कि जो विभाग के लोग कर्मचारी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन प्रोसेस से, जैसे रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग इत्यादि। जहाँ तक अधिसूचना जारी होने के बाद 3 साल से ऊपर के कर्मचारी नहीं रहने चाहिए, तो ये शासन को निर्णय लेना है। हमारे यहाँ तो वार्ड बॉय यहीं अपॉइंट होता है और यहीं से रिटायर हो जाता है, फार्मासिस्ट यहीं आता है और यहीं से रिटायर हो जाता है, और 35-35, 25-25 साल यहाँ सेवाएँ देते हैं, जिनका कि कोई मापदंड ऐसा नहीं बनाया गया है कि कैसे किया जाए, और जो कुछ करना है ज़िले से बाहर का कार्य वो शासन स्तर से होता है।